चिल्ड्रेन टूडे वी आर स्टार्टिंग लेसन सिक्स टक्स पेंट ओके सो हमने टक्स पेंट क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं हमने ये लास्ट लेसन में रीड कर लिया था और मैंने आपको इसको एक्टिविटी भी बनाने के लिए दी थी राइट सो टक्स पेंट क्या होता है एक पेंट सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेशली चिल्ड्रन के लिए डिजाइन किया गया है ओके okay? इसमें क्या होते हैं रेडीमेड टूल्स होते हैं जिससे आप अपनी ड्रॉइंग को ब्यूटीफुली बना सकते हैं सो so, इसके फीचर्स हैं कि ये सॉफ़्टवेयर फ्री है इसमें एक पैंग्विन मास्केट होता है जो हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि हम कैसे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं ओके okay, और जब भी हम किसी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है फनी साउंडस प्ले होते हैं और हम क्या कर सकते हैं फाइल नेम के बिना भी हमारी इमेजेस को सेव कर सकते हैं ओके और इन इमेजेस को हम बोलते हैं थंबनेल्स ओके सो so, नेक्स्ट है चिल्ड्रन स्टार्टिंग टक्स पेंट हम टक्स पेंट को स्टार्ट कैसे करते हैं क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं देन ऑल प्रोग्राम्स ओके देन सेलेक्ट टक्स पेंट उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं टक्स पेंट को चूज टक्स पेंट विंडो डॉप्शन उसके बाद हम चूज करते हैं टक्स पेंट विंडोर ऑप्शन को ओके वेन द ट पेंट वन दस प्रोग्राम्स ओपन्स यू विल गेट फॉलोइंग विंडो जब टक्स पेंट ओपन होता है चिल्ड्रन तो हमारे पास क्या ओपन होती है ये विंडो ओपन होती है ओके okay? ये जो है ना पैंग ये पेंगुइन जो है इसको हम क्या बोलते हैं मैस्कोट बोलते हैं ओके okay? और इसमें क्या होता है सिलेक्टर होता है उसके टू बटन्स होते हैं ये तो है अप बटन एंड दिस इज डाउन एरो बटन ओके ये कॉर नॉट है जुल व्हेन यू ओपन द टक्स पेंट जब आप टक्स पेंट को ओपन करते हैं तो उसमें टू मोड्स होते हैं एक होता है विंडोड एंड फुल स्क्रीन एक होता है विंडोड मोड और एक होता है फुल स्क्रीन मोड सेलेक्टिंग द फुल स्क्रीन मोड विल नॉट डिस्प्ले द टाइटल बार अगर आप फुल स्क्रीन मोड को सिलेक्ट करते हैं तो उससे क्या होगा जो टाइटल बार होता है हमें वो डिस्प्ले नहीं होता है सो so, इसलिए हमने यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया था विंडोड वाला ऑप्शन नेक्स्ट है चिल्ड्रन स्टार्टिंग अ न्यू ड्राॅइंग हम न्यू ड्राइंग को कैसे स्टार्ट करते हैं जैसे हम पेंट में भी लेते हैं ना न्यू ऑप्शन ठीक है सो अब हमें अगर न्यू ड्राइंग स्टार्ट करनी हो तो हम क्या करेंगे क्लिक ऑन द न्यू बटन फ्रॉम द टूल बार हम टूल बार में से किसे सेलेक्ट करेंगे न्यू बटन को ओके okay? और इसका सिंबल देखिए ऐसा होता है यू विल गेट कलर बॉक्सेस एंड स्टार्टर्स टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग हमें क्या मिलेंगे कलर बॉक्सेस मिलेंगे और स्टार्टर्स मिलेंगे न्यू ड्राइंग बनाने के लिए देखिए अगर जब हम न्यू न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ से हम कलर बॉक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं और स्टार्टर सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है okay. जो भी हमें हमारी स्क्रीन पर कलर चाहिए हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द डाउन एरो बटन टू सी रेडीमेड पिक्चर्स एंड बैकग्राउंड्स ये देखिए ये बटन है चिल्ड्रन डाउन एरो है ये ओके okay? इसको हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा जो और बैकग्राउंड्स है रेडीमेड पिक्चर्स हैं हमें वो शो होंगी ठीक है सिलेक्ट द ड्राइंग एंड डबल क्लिक ऑन इट हम क्या करेंगे यहाँ से ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे और उस पर डबल क्लिक करेंगे द पिक्चर विल अपीयर ऑन द ड्राइंग कैनवास जो ड्राइंग कैनवास है उस पर वो पिक्चर हमें शो होने लग जाएगी ओके okay? ये नेक्स्ट देखिए चिल्ड्रन कलरिंग और ड्राइंग हम किसी ड्राइंग में कलर कैसे करते हैं क्लिक ऑन दी मैजिक टूल हम क्लिक करते हैं मैजिक टूल पर ओके okay, ये देखिए ये है मैजिक टूल हम इस पर क्लिक करते हैं ये क्या है टूल्स बॉक्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं हम सेलेक्ट करते हैं मैजिक टूल को देन क्लिक ऑन दी डाउन एरो बटन फिर हम क्लिक करेंगे चिल्ड्रन डाउन एरो बटन पे मैजिक टूल्स के जो टूल्स हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और हम उसमें से सेलेक्ट करेंगे फिल मैजिक इफेक्ट को ओके ये सिलेक्टर है यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फिल मैजिक इफेक्ट को सिलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स और हम ये क्या है कलर बॉक्स है यहाँ से हम क्या करेंगे कलर को सेलेक्ट करेंगे देन क्लिक ऑन द ड्रॉइंग टू फिल दी सेलेक्टेड कलर इन इट और जो हमने ड्राइंग सिलेक्ट की है उसमें क्या कर देंगे हम वो कलर पुट कर देंगे ओके okay. नेक्स्ट है चिल्ड्रन पेंट टूल यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है ना तो अब हम पढ़ेंगे पेंट टूल के बारे में पेंट टूल कहाँ है यहाँ पर वेन एवर वी स्टार्ट टक्स पेंट जब भी हम टक्स पेंट स्टार्ट करते हैं पेंट टूल इज सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट सो जो बाय डिफॉल्ट जो टूल सेलेक्टेड होता है पहले से ही वो होता है पेंट टूल इट इज़ यूज टू ड्रॉ एंड पेंट एनीथिंग डैट यू लाइक हम अपनी पसंद से क्या कर सकते हैं कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं इस टूल से और कुछ भी पेंट कर सकते हैं इट इज़ सिमिलर टू द ब्रशेज टूल्स इन एम एस पेंट जैसे एम एस पेंट में क्या होता है ब्रशेज होते हैं न वैसे ही टक्स पेंट में क्या होते हैं पेंट टूल ओके वेन यू क्लिक ऑन द पेंट टूल जब हम पेंट टूल पर क्लिक करते हैं मैन मैनी ब्रशेज विल अपीयर इन दिलेक्टर ऑन दी सब टूल बॉक्स देखिए ये है टूल बॉक्स और ये है सब टूल बॉक्स फिर हम सेलेक्टर में से क्या सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रशेज को सिलेक्ट कर सकते हैं चूज एनी ब्रश पैटर्न हम यहाँ से कोई भी ब्रश पैटर्न को चूज़ करेंगे द पॉइंटर शेप चेंजेस टू पेंट ब्रश जो पॉइंटर है उसकी उसके बाद क्या हो जाएगी शेप चेंज हो जाएगी किसने पेंट ब्रश में प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग उसके बाद हम लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करेंगे और उसे ड्रैग करेंगे ठीक है दैटर्न विल बी ड्रॉन जो हमें पैटर्न ड्रॉ करना है वो हम ड्रैगिंग के हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं नाउ रिलीज दी माउस बटन, उसके बाद हम क्या कर देंगे माउस बटन को रिलीज कर देंगे ओके ओके। सो चिल्ड्रेन जितना मैंने आज आप आपको पढ़ाया है आपको अपने घर पर इसे रीड करना है ओके okay? और इसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे ठीक है हम सिस्टम पे करके देखेंगे कि हम कैसे टक्स पेंट को ओपन करते हैं कैसे हम न्यू ड्राइंग बनाते हैं और कैसे हम ड्राइंग में कलर करते हैं ओके बाय चिल्ड्रन हैव अ गुड डे